भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए हैं। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग भी लग गई थी। यह हादसा शुक्रवार 30 दिसंबर तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। अब यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस हादसे के बाद ऋषभ पंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि किस तरह यह एक्सीडेंट हुआ और वह बचकर किस तरह निकले। यदि पंत कार से नहीं निकल पाते और जरा भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घटना के बाद कार में भीषण आग भी लग गई थी। ऋषभ पंत ने बताया कि कार को वह खुद ही चला रहे थे। ड्राइविंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई थी। यही वजह रही कि कार डिवाइडर से टकरा गई और यह बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद वह विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, उनको हेड इंजरी है, यानी सिर में चोट आई है। दाहिने पैर में फ्रैक्चर की संभावना है। फिलहाल पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। जांच के बाद ही बाकी चोटों के बारे में सही पता चल सकेगा। ऋषभ पंत के साथ हुए कार एक्सीडेंट के कई फुटेज और वीडियो सामने आए हैं। पंत के अस्पताल में भर्ती वाले भी फोटो देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां के लोगों ने 108 की मदद से ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा। पहले से ही अनफिट चल रहे पंत को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी एनसीए बेंगलुरु में रिपोर्ट करने को कहा था। बता दें कि भारतीय क्रिकेटर टीम को अगली सीरीज अपने घर में ही श्रीलंका के खिलाफ जनवरी के पहले हफ्ते में ही खेलनी है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे की सीरीज होगी। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, मगर इन दोनों ही सीरीज से ऋषभ पंत को बाहर किया गया है। उन्हें बाहर करने का बीसीसीआई ने कोई कारण तो बताया नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ऋषभ पंत असल में चोटिल हैं। यही कारण है कि उन्हें दोनों में से किसी भी सीरीज के लिए नहीं चुना गया। बताया गया है कि ऋषभ पंत के पैर के घुटने में चोट आई है। यही कारण है कि पंत को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। रिहैब के बाद पंत कब तक ठीक हो पाएंगे, इसका भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पंत ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट सीरीज खेली थी। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए।